जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी संभाग से हर एज ग्रुप के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में सभी एप्लीकेशंस लेकर पहुंचे, साथ ही समस्या से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट लेकर सीएम साय से रूबरू हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बारी बारी सभी की समस्याएं सुनी हैं। इसके अलावा जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरण किया है, साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को एक एक तिरंगा का वितरण भी किया गया। हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और प्रदेश भर के सभी संभाग से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। हर जिले से बड़ी संख्या में हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और क्या समस्या लेकर पहुंचे? मैं सीमांकन दो दो बार करवा चुका हूँ, मेरा जमीन अभी तक नहीं मिला है। दो साल से कैसी रहेंगा हूँ तो भी नहीं मिला, और केस में जीत भी गया हूँ दो बार, तहसीलदार बेदखली का वारंट भी निकाला है तो भी गया भी नहीं तहसीलदार। मेरा जगह मिल ही नहीं रहा जमीन। अच्छा। बस यही है मेरा, मुझे सरकार से यही है दरखास्त है कि मेरा जगह दिलवा दे। बस जो महिला है वो छेड़छाड़ में फंसा दे जा रहा है, बोल रहा है कि मैं मितानिन का मैडम हूँ, मेरा दमान पटवारी है, मरवा दूंगा पिटवा दूंगा, धमकी देते रहते हैं एनी टाइम। पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, झूठे वादे करके उन्होंने सत्ता काबिज किया था, चिट फंड कंपनियों में जितने भी निवेशक को पैसा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। इस कारण से मैं अपनी खुद की पैसा जो जमा किया हूं और अन्य जो भी प्रदेश स्तर पे जो भी चिटफंड कंपनियों में जमा किए हैं निवेश को, उसकी राशि के लिए मैं इनसे गुजारिश करने के लिए आवेदन देने के लिए आया हूं यहां पे। शायद वह समस्या हल हो जाए, ऐसे आशा और अपेक्षा है। प्रेरणा विद्यालय कठिया के ऊपर कार्यवाही बाबत है, वो फर्जी स्कूल है, फर्जी मार्कशीट दिया है सीबीएसई का, सीबीएसई का मान्यता नहीं है, ये भी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर चुका हूं मैं। 2017 में उसको सीजी बोर्ड से मान्यता मिला, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही 2018 में वो अपने आप को सीबीएसई स्कूल बताकर बच्चों के पालकों से मनमानी फीस वसूल लेने लगे। 2021 में मेरे को पता चला कि स्कूल सीबीएसई नहीं है, तो मेरे बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया। जब मैंने आवाज उठाया, स्कूल के अंदर बहुत बड़ा कारखाना है, उसके लिए जहां से केमिकल और धुआं निकलता है, उसके लिए आवाज उठाया तो मेरे चारों बच्चों को स्कूल से भगा दिया, जो 3 साल से शिक्षा से वंचित रहा। बहरहाल सीएम साय का जनदर्शन कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुंचे और सभी को एक उम्मीद है, एक आशा है कि सीएम साय से जब वो संवाद करेंगे, उनको जब अपनी समस्याएं बताएंगे तो उनकी समस्याओं का निराकरण भी जो है वो जल्द जो है हो पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, News18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब खबर रायपुर से है, जहां निकाय अध्यक्षों के हस्ताक्षर अधिकार खत्म हो गए हैं। हस्ताक्षर अधिकार खत्म होने पर अरुण साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि नगर पालिका पंचायत के सीईओ चेक पर हस्ताक्षर करेंगे, सभी निकायों के सीईओ चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। निकायों में बेहतर काम के लिए यह फैसला लिया गया है, जनप्रतिनिधि विकास कार्यों पर ध्यान देंगे। जी हां, ये एक बड़ा निर्णय है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सुरक्षित रहें और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर पाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए भी और निकायों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारी सरकार ने लिया है। अंबिकापुर से खबर है, जहां अमरजीत भगत का दर्द झलका है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि प्रदेश में हम लोगों की गलती से कांग्रेस हारी है, नेताओं में तालमेल की कमी के वजह से हम चुनाव हारे हैं, 13-13 के खेल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, चुनाव में हार पर अमरजीत भगत का दर्द झलका है। एक सीट महज कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत पाई और उस एक सीट के पीछे लगातार मंथन किया गया, हार को लेकर मंथन किया गया। और अब अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी,
नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। श्रवण महंत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और धनंजय ठाकुर भी हमारे साथ है कांग्रेस से, जो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रवण, अमरजीत भगत ने जो कहा इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अगर जिस तरह से अमरजीत भगत का जो बयान आया है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर अपने क्षेत्र में जाने जाते थे, पूरे प्रदेश में जाने थे, जिन्होंने कहा है कि हमारी गलती की वजह से कांग्रेस को हार मिली थी। हालांकि ये बात उनको काफ़ी लेट से होश आया है, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर पहले इनको एहसास हो जाता कि हमारे नेताओं से तालमेल नहीं है, इसके वजह से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, तो शायद कांग्रेस पुनः एक बार फिर सरकार में बनती। लेकिन इसी जिस तरह से उनका बयान आया है और ये बात उन्होंने स्वीकारा है कि तालमेल की कमी के वजह से ही कांग्रेस प्रदेश सरकार से हारी है और जो है ये गलती दोबारा, जब सवाल किए जाते हैं तो कांग्रेस कहती है ऑल इज वेल। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? अमरजीत भगत का वो बयान आपने सुना होगा जब उन्होंने कहा कि तेरा मेरा के चक्कर में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमरजीत भगत ने ऐसा कहा। इससे पहले उन्होंने कहा कि सब अपना अपना देख रहे थे, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे धनंजय जी? बयान को सुना हूं, पर वो किस संदर्भ में कहे हैं, उनके आगे का बयान में और क्या चीज समाहित था ये मुझे नहीं पता है। लेकिन प्रदेश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने खूब मेहनत की है, सरकार के जो काम थे जनता तक पहुंचाए हैं। लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको जनता तक पहुंचाए हैं, और निश्चित तौर पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ा है। और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में, जहां पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना करें वर्तमान लोकसभा चुनाव की, तो वोट के जो अंतर है उसमें खासा कमी आई है। तो ये हमारे एकजुटता का परिणाम है, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खूब मेहनत की है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार कहीं कोई दिक्कत रही होगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है? और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिन्हें कई बार कई अहम जिम्मेदारियां दी जा चुकी है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो अब समझने की भी जरूरत है। देखिए, केवल अमरजीत भगत ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष शरण दास महंत से लेकर तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश स्तर के, उन्होंने भी अपनी व्यथा कथा ऑन स्क्रीन कही है, पर्दे के अंदर कही है। और अक्सर आप पत्रकारों को कहते रहते हैं कि केवल अपने अपने क्षेत्रों को देखा गया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस में जो ये भीतर का संघर्ष चल रहा है वो कुछ गुल खिलाएगा ऐसा दिखता है आने वाले समय में। और जिस समय भूपेश बघेल जी अपना मैं और मेरा को लेकर चल रहे थे, उन्होंने पूरा अधिकार एक महिला अधिकारी को देखकर रखा था, और बाकी नेताओं को उन्होंने नजरअंदाज किया, टीएस बाबा को नजरअंदाज किया, इसके आपको आने वाले समय में परिणाम दिखेगा। कांग्रेस बुरी तरह से खेमे में बटी हुई है, और आज भी जो प्रदेश स्तर की जो संगठनात्मक जो शक्ति है उसको लेने को लेके भी होड़ मची हुई है। तो आने वाले समय में आपको एक और संघर्ष दिखेगा कांग्रेस में, पद का संघर्ष, और वो संघर्ष कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं, हालांकि देखना होगा कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, और ये धरातल पर किस तरह नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रवण आपका भी बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आज ढेबर की पेशी है, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की आज पेशी होगी। ढेबर और त्रिपाठी को मेरठ से रायपुर लाया जा रहा है, सड़क रास्ते से वैन से ईडी रायपुर लेकर आ रही है, और साथ ही आज क्योंकि पेशी होनी है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, और इसमें दो नाम अहम हो जाते हैं, एक तो अनवर ढेबर और दूसरा एपी त्रिपाठी, अरुणपति त्रिपाठी, दोनों की ही आज पेशी होगी। उन्हें बाय रोड लाया गया है रायपुर, ढेबर और त्रिपाठी को मेरठ से रायपुर लाया गया है सड़क रास्ते से, वो भी वैन से उन्हें ईडी रायपुर लेकर आई है, और आज उनकी पेशी होगी। आज की पेशी कई मायनों में अहम हो जाती है। और अब बात करेंगे हो रही बारिश की। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में लूथरा से चंगौरी मार्ग काफी खराब हो चुका है।
बारिश के दिनों में ये सड़क इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बच्चों और ग्रामीणों का जीवन तो मुश्किल में हो जाता है। बारिश के दिनों में ये सड़क कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल यहाँ के लोगों का होता होगा जब वो किसी भी चीज के लिए घर से बाहर निकलते हैं। खासतौर पर आप बच्चों को देख सकते हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उनको स्कूल जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्या इनके सामने आन खड़ी हुई है और ये कितने सालों से इन समस्या का सामना कर रही है। जी, समस्या का सामना कर रहे हैं हम लोग यहाँ तो खमरिया स्कूल 2 साल हो गए जाते हुए, लेकिन हम लोग तो बचपन से रास्ते को देख रहे हैं, ऐसे ही है। अब कोई बनवाने के लिए तो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ये रास्ता बने और हमारे, हम लोग तो अभी जा रहे हैं स्कूल, लेकिन आगे स्कूल जाने वाले बच्चे हमारे जैसे समस्या का सामना ना करना पड़े उसे। रास्ते की समस्या की वजह से स्कूल भी जाना बंद कर देते हैं। यस सर, हमारे साथी कई ऐसे हैं जो 1500 ऐसे बच्चे हैं जो इस रास्ते के कारण ना स्कूल आना बंद कर दिए हैं, और हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानियां होती है, इसलिए हम कंटिन्यू स्कूल नहीं जा पाते। हम लोगों को ना छुट्टी लेना पड़ता है। ये कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को कितने दूरी में, कितने घंटे में तय करती हो? हम लोग लगभग 1 घंटे में करते हैं। क्यों? रास्ते के नाम से साइकिल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चले जाते हैं थोड़ा फास्ट, लेकिन अभी बरसात के मौसम में नहीं जा पाते हैं। बड़ी विडंबना है कि सड़क नहीं होने की वजह से इन लोगों की पढ़ाई छूट रही है। हमारे साथ गुरु जी भी हैं। सर, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं तो हाई स्कूल चंगोरी में पढ़ाता हूँ। जी जी जी। ये आपका शुभ नाम? सत्यवान केशरवानी। जी जी। कितने सालों से ये मेरा यहाँ पदस्थापना 2010 में हुई। जी जी। और उसके पहले से भी क्या मालूम कब से कभी इस रोड का उद्धार नहीं हुआ, और आज भी स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। सर, आप यहाँ पर कितने सालों से आना जाना कर रहे हैं? 2 सालों से कर रहा हूँ आना जाना। क्या स्थिति है रोड की? बहुत दयनीय स्थिति सर, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे इस कारण जो है, और सिर्फ रोड के नाम से ही छोड़ रहे पढ़ाई को जो है बच्चे जो है। जी, कितने बच्चे होंगे ऐसे अब तक छोड़ चुके हैं पढ़ाई? मेरी जानकारी में लगभग 20-25 बच्चे हैं जो है। जी हाँ। एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि अगर 2-3 सालों का आंकड़ा निकाल दे तो 100 बच्चे भी होगा। हाँ, ऊपर हो जाएंगे, 100 से ऊपर हो जाएंगे। सुगम मार्ग नहीं होने की वजह से इनको आधे बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़नी पड़ती है। भविष्य गढ़ना चाहते हैं, पर भविष्य गढ़ने के लिए इन्हें जो आवागमन मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये बीच रास्ते पे ही अपना पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। और रास्ता सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई बच्चे कैसे करेंगे, ये सीधे तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। मनेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे 43 पर पिछले कई दिनों से भूस्खलन हो रही है, जिसकी वजह से सड़क पर बड़े बड़े चट्टान और पेड़ गिर रहे हैं जो हादसों को बुलावा दे रहे हैं। भूस्खलन की वजह से यातायात भी प्रभावित होता है, तो वहीं यहां से गुजरने वालों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हालात तो ऐसे हैं कि अब राहगीरों में डर का माहौल है। बता दें कि जिले में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर है, ऐसे में भूस्खलन की घटनाओं से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बीते एक सप्ताह से भारी बारिश जो है जिले में हो रही है, ऐसे में लगातार जो है NH 43-43 मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाली मार्ग में भूस्खलन देखने को मिल रहा है। लगातार यह तीसरी घटना है। आप में देख सकते हैं कि यह कितनी बड़ा बोल्डर है जो यहां पर NH में ये 43 है और ये मुख्य मार्ग है, ऐसे में यहाँ पर ये बोल्डर गिरा है और ये लगातार जो है इसी तरह भूस्खलन हो रही है, मिट्टी कटाव हो रहे हैं जिससे बड़े बड़े बोल्डर जो हैं सड़कों में गिर रहे, कभी भी बड़ा हादसा जो है हो सकता है। बात करें विभाग की तो ये निर्माण लगभग 2 साल पहले यहाँ पे ये सड़क निर्माण हुआ था, लेकिन बैरिकेटिंग जो होती है, व्यवस्था होती है जिसको ये बोल्डर रोका जा सके, ऐसा किसी प्रकार के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका कारण यह है कि लगातार जो है भारी बारिश जो है मौसम विभाग यहाँ पे हाई अलर्ट भी जारी कर चुका है, जिसके बाद लगातार जो है मिट्टी कटाव हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। अब बड़े बड़े बोल्डर जो है आप ये सड़कों में देख सकते हैं, मुख्य मार्ग है, लगातार आवाजाही हो रही है, ऐसे में ये बोल्डर कभी भी बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। यहाँ पे जो है पीओ विभाग के सब ये जानकारी देने वाले कामगार हैं, कैसे ये बोल्डर गिरा, कब गिरा है? शाम को गिरा है। कल शाम को? तो जो लगातार और भी आगे बोल्डर गिरा है, कितने लगातार गिर रहे हैं बोल्डर, तो आप लोग क्या जानकारी देते हैं इसको? जानकारी हाँ देते हैं सर लोग को। क्या बोलते हैं सर लोग? पत्थर गिरा है,
तो आते हैं यहाँ पे, अभी तक तो फिलहाल कोई आया नहीं है, तो आप लोग क्या जानकारी कब दिए इसकी? सुबह तो दिए थे। देख सकते हैं ये निचले कामगार हैं जो जमीनी जमीन पे जो सड़कों में गिरते हैं बोल्डर, उसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में ये सुबह सुबह जो निकल रहे हैं और लगातार जो है कल रात की ये घटना है जो ये बोल्डर गिरे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही या मौन स्थिति से ये खतरे वाली जगह बन चुकी है, जिसको लेकर के जल्द ही कि कोई अच्छी पहल नहीं करते हैं तो बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जिले में लगातार जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बकरकट्टा का पंचायत भवन सहित कई गांव की सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी है। सड़क के नीचे खाई में गिरकर बस पलट गई है। बस में बुरी तरह से एक महिला फंसी है। गैस कटर से बस काटकर महिला को बाहर निकाला गया और सभी सवारी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये बस की तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए कैसे ये बस पलटी है। ट्रेलर ने क्योंकि बस को टक्कर मारी और ट्रेलर का भी यही हाल है, लेकिन इस बस में तो यात्री सवार थे। एक महिला बुरी तरीके से फंसी, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया और बाकी अन्य यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की सड़कों पर रात में अंधेरा छा जाता है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के सामने की सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से बंद हैं, जिसके चलते यहां रात में अंधेरा छा जाता है और सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के सामने कुछ नजारा ऐसा दिखा कि देख के हैरान हो गए हैं। ये मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज से जो सड़क है ये पूरी तरह से घुप अंधेरा है। देख सकते हैं लाइटें जरूर स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन जल नहीं रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कब से लाइट बंद है? बहुत दिन हो गया। क्या क्या समस्या होती है? समस्या बहुत होती है सर, अंधेरा पड़ जाता है, आते जाते लोग हैं, हॉस्पिटल है सामने, आते हैं इधर उधर, अंधेरा हो जाता है। कब से नहीं चल रहा है? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया। तो देखने को नहीं आता है? कोई नहीं आता। आते हैं साथ। कोई नहीं आता। मेडिकल कॉलेज में जो मरीज लोग आते हैं उन लोग कैसे करते हैं फिर? उन लोग को भी परेशानी होता होगा। परेशानी होता है। है ये जो मेडिकल कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है पूरी तरह से अंधेरा है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के सामने जो लाइटें जलनी चाहिए लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से ये इलाका पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। मेडिकल कॉलेज के नाम से लोग दूर दराज से पहुँचते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग इलाज कराने, लेकिन देर रात पहुँचने से उन्हें अंधेरा का सामना सबसे पहले करना पड़ता है। अब ऐसे में इस घोर लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की नींद कब जागेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। मैं अभी अवगत कराया इस चिंता से और मैं विधायक जी से भी बात करूंगा और अपने विद्युत विभाग से भी बात करूंगा और चिंता का विषय है, इसको फौरन से पेशतर जितने जल्दी हो सके उसको हम बात करके इसको ठीक कर देंगे। इसको